नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको ले चलने वाले हैं भारत के तिल मध्य प्रदेश की ओर, जहां इतिहास, संस्कृति और विकास का संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मध्य प्रदेश सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर का गढ़ है तो आप गलत हैं। यहां एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, जो आने वाले टाइम में इस राज्य की पहचान बदल कर रख देंगे। चाहे वो नए स्मार्ट सिटी हो, विशाल एक्सप्रेसवे हो या उद्योगी की नई क्रांति, मध्य प्रदेश का फ्यूचर अब और भी चमकदार होने वाला है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को, जो इस राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे, जिसे अटल प्रोग्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो लगभग 404 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी तक होगी। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा से शुरू होकर मध्य प्रदेश होते हुए यूपी के इटावा तक फैला होगा, जिसमें 309 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में और 17 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में होगा। ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे को चंबल एक्सप्रेसवे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे चंबल नदी के किनारे या फिर समांतर बनाया जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। चंबल एक्सप्रेसवे DMIC और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेगा, जिसमें एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है। नंबर 9 पर आता है ग्वालियर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। ग्वालियर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जा रहा है। इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान की जाएगी। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 4,80,061 वर्ग मीटर में किया जाएगा। इस स्टेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए जगह जगह सेंसर्स लगाया जाएगा। स्टेशन रीडेवलपमेंट में एक विशाल छत प्लाजा, वेटिंग एरिया, एग्जिट एंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएँ, 19 लिफ्ट, फूड कोर्ट, पार्किंग की सुविधाएं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आदि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इस स्टेशन की कुल लागत लगभग 535 करोड़ है। नंबर 8 पर आता है कंडला गोरखपुर पाइपलाइन। कंडला गोरखपुर पाइपलाइन एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लंबाई 2757 किलोमीटर और ये दुनिया में सबसे लंबी LPG पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन गुजरात के कंडला पोर्ट से मध्य प्रदेश होते हुए यूपी के गोरखपुर तक होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 9000 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें IOCL द्वारा 50% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम द्वारा 25% इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस पाइपलाइन से देश में LPG मांग का लगभग 25% परिवहन करेगी। इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 1.5 मिलियन टन की होगी। इस पाइपलाइन से LPG का परिवहन सुरक्षित, किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी की 34 करोड़ की आबादी को इससे फ़ायदा होगा। नंबर 7 पर आता है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बीना में BPCL की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। ये अत्याधुनिक रिफाइनरी, जो लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, यहाँ लगभग 1200 किलो टन प्रति वर्ष एथलीन और प्रोपलीन का उत्पादन करेगी। एथलीन और प्रोपलीन, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, इससे देश के आयात निर्भरता कम होगी और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। ये मेगा प्रोजेक्ट रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और पेट्रोलियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा। नंबर 6 पर आता है इंदौर मेट्रो।
मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 11 लाइन प्रपोज्ड है, लेकिन अभी बस एक ही लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर में 124 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क बनाया जाएगा, जहां पर कुल 11 मेट्रो लाइन बनाया जाएगा, जहां कुल 89 स्टेशन होंगे। वर्तमान में बस एक ही लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको योलो लाइन के नाम से जाना जाएगा, जहाँ 29 स्टेशन है। इस प्रोजेक्ट को 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल दिसंबर तक इंदौर मेट्रो शुरू हो सकती है, गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन तक। नंबर 5 पर आता है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मध्य प्रदेश के इंदौर से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 713 किलोमीटर है और ये मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे से इंदौर से हैदराबाद की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बनने से इंदौर को लॉजिस्टिक हब बनने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे इंदौर से सीधे हैदराबाद की कनेक्टिविटी हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है नर्मदा एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के साथ चलेगा। ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 906 किलोमीटर होगा। ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ बॉर्डर और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू होकर ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, नर्मदापुरम, खरगोन, बरवानी से होता हुआ गुजरात बॉर्डर के पास आली राजपुत तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए छत्तीसगढ़ गुजरात से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 31,000 करोड़ रुपया है। इस हाईटेक कॉरिडोर से टूरिज्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी फायदा मिलेगी। नंबर 3 पर आता है विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। विक्रम उद्योगपुरी, जिसे विक्रम उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जिसका निर्माण उज्जैन से 8 किलोमीटर और देवास से 12 किलोमीटर दूर में किया जा रहा है और ये 1200 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद इसमें विनिर्माण, आईटी और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल स्थापित किया जाएगा। ये टाउनशिप नेशनल हाईवे 7 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख परिवहन नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा होगा। इसमें न सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पूरा होने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित होने और इंडिया को अधिक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलने की भी उम्मीद है। नंबर 2 पर आता है भोपाल मेट्रो। भोज मेट्रो के नाम से भी जानी जाने वाली भोपाल मेट्रो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो भोपाल में रहने वाले लोगों को बहुत ही सुविधाजनक और तेज गति से यात्रा करने में मदद करेगी। 6 कॉरिडोर में विभाजित ये मेट्रो लगभग 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भोपाल मेट्रो का फर्स्ट फेज इसी साल यानी 2024 में ही ओपन होगा। इसमें लाइन 2 और 5 की 28 किलोमीटर लंबाई शामिल होगी। संपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 80 बिलियन है। इसमें न सिर्फ परिवहन व्यवस्था सुरक्षित होगी, बल्कि रोजगार भी पैदा होगी और शहर की यातायात की भीड़ भी कम होगी। नंबर 1 पर आता है खंडवा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। मध्य प्रदेश के पावर हब के रूप में जाना जाने वाले खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला सोलर एनर्जी प्लांट ये नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर डैम पर बन रहे हैं। ये प्लांट 12.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नर्मदा नदी के बैक वाटर पर तैरती हुई नजर आएगी और इससे लगभग 600 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट लगभग 3,000 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।